अमरीकी सफीर की फवाद से मुलाकात सियासी हलकों में छह मकोियाँ पाकिस्तान में अमरीका के सफी डोनल्ड ब्लूम का अचानक तहरीक इंसाफ के नायब सरबरा फवाद चौधरी की अकामत का पहुँच कर उनसे मुलाकात करना आवाम और सियासी हल्कों में चेमगोई का मौजूद बन गया है जिसका इजहार ट्विटर और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है जिसमे गुस्से हैरत और खफकी का इजहार किया जा रहा है उस तस्वीर में जो फवाद चौधरी की अहल्या इबा चौधरी ने जारी की है और वो इसके वस्त में खड़ी है जबकि उनके दाएँ अमरीकी सफीर और बाए उनके शौहर इस है ट्विटर आरोप एक सारिफ ने तहरीर किया एंड Mr. अपने आका डोनाल्ड ब्लूम की आहमद पर शादा फरहा दिखाई दे रहे हैं एक खातून ने तबसरा करते हुए पुर अंदाज में कहा कि ब्लूम वो खत वापस लेने आए हैं जिसे सिफारती संदेशा कहा गया था एक सारिफ ने तहरीर किया है की कि फवाद चौधरी अमरीकी सफीयद ऐसी सासबाज करके इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं एक ने लिखा की एबसोलूटली नॉट ऐसी डोनल ब्लूम तक अमरीकी साजिश ऐसी फवाद चौधरी और उनकी एहलिया को टी शर्ट फेस में मलबूस दिखाया है जिस पर इमरान की तस्वीर के साथ एब्सोलूटली नॉट तहरीर है एक मुबसर ने तहरीर किया है कि पाकिस्तान में काबिल अहतम शरीका कार की तलाश में अमरीकी सफीर आखिरकार सही जगह पर पहुँच गए हैं ये तस्वीर एक हजार तजावरा लफ्जों को बयान करती है की इमरान प्रोजेक्ट का फेज टू अलावा दफा खाजा आसिफ ने फवाद चौधरी ऐसी अमरीकी सफीर की मुलाकात आरोप तबसरा करते हुए कहा है की बैरूनी साजिश जब घर आ जाए तो उसको अंदरूनी साजिश कहते हैं इस हवाले ऐसी पीटीआई रानुमा का कहना था की अमरीकी सफ़ीर ऐसी मुलाकात पाँच छह रोज पहले हुई थी अब तक के लिए इतना ही मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज